हमारे साथ बातचीत करने के लिए महान कलाकार मोहन अगाशे जी मौजूद हैं। सर, फिल्म अस्तु को जो बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है, तो उसके लिए सर कितने उत्साहित हैं और क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, अवार्ड एक अलग चीज़ होती है, फिल्म दूसरी अलग चीज़ होती है। अवार्ड नहीं मिला इसका मतलब फिल्म बुरी है, ऐसा होता नहीं। कई अच्छी फिल्में हैं जिनके अवार्ड नहीं मिले हैं, और जो मिलते हैं वो भी, तो अवार्ड के हिसाब से तो मैं जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो आज की स्थिति में जीवन पर एक भाष्य करती है, क्योंकि आज वैद्यकीय सेवाएं काफ़ी बढ़ गई है, तो आयुर्मर्यादा लंबी हो गई है। लेकिन आयुर्मर्यादा लंबी हुई है तो, लेकिन समाधान नाम की चीज़ कम हुई है। फैसिलिटीज बढ़े हैं लेकिन संतोष नहीं है। हाँ, तो इसकी वजह क्या है? इलॉन्गेशन ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन एंड रिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल लाइफ स्पैन लीव्स यू विद मेनी अनप्रोडक्टिव ईयर्स। सर, आप साइकेट्रिस्ट भी हो, कहीं ना कहीं वो आपकी बातों से झलक भी रहा है। तो सर, आप इसमें लीड एक्टर हैं आप, तो थोड़ा सा जो आपने रोल निभाया उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। जैसा मैंने कहा, ये फिल्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कुछ सिर्फ भारत की या प्रदेश की नहीं, यही आयु में हो सकता है, बुढ़ापे में, अब जब आयुर्मर्यादा बढ़ती है तो कुछ ऐसे कुछ ऐसी बीमारियाँ हो सकती है जिसमें स्मृति पर कुछ असर हो जाता है, और ताकि हम भूल जाते हैं, और सिर्फ भूलना नहीं है तो बर्ताव में फर्क आता है। तो ये समस्या होती है कि आदमी दिखता तो है बूढ़ा, जिंदगी के अनुभव जिन्होंने लिया है, लेकिन बर्ताव तो बच्चे जैसा है। तो क्या हम फिर से बच्चे होते हैं? और बच्चे होते हैं तो क्या दुनिया मानती है कि ये बच्चे हैं या नहीं? और इससे एक परिवार में जो समस्याएं होती है करने की, उसकी झलक आप समझिए। सो एक प्रोफेसर जो है, संस्कृत के गाढ़े पंडित है, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन एक इंसान जो होता है, जो बुढ़ापा जो आता है उसे, जो असर उसके सर पे होता है, उससे कोई छूटता नहीं। तो ऐसा हुआ, ऐसे आदमी को जिस तरह से हम समझते हैं उसका बर्ताव बच्चे जैसे होता है, तो किस तरह की परिस्थितियाँ एक परिवार में निर्माण होती है, और उसका साथ कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे, इसका दर्शन इस चित्रपट में होगा। सर, एक आखिरी सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, सारे फिल्म फेस्टिवल एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है सारे बॉलीवुड और कई भी और जो भी फिल्म जगत से हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे मतलब ये ज़्यादा गंभीरता से इसे देखना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने सोचा है, एक ऐसा हमारी मन की स्थिति, मानसिकता ऐसी हो गई है कि फिल्म माध्यम जुड़ा हुआ है मनोरंजन से, और किताब माध्यम जुड़ा हुआ है शिक्षा से, लेकिन ये समझते नहीं कि बहुत सारा शिक्षण जो होता है ये फिल्म माध्यम से भी हो सकता है। तो ये नज़र ठीक करनी चाहिए, और कब हो सकता है? जब वो भाषा लोग सीख जाएंगे तब। आप किताब पढ़ कब सकते हैं? जब वो भाषा सीखते हैं, और जो पाठशाला में सिखाई जाती है ये सिखाई नहीं जाती, इसीलिए हम अनपढ़ हैं। आज के ज़माने काफ़ी करके ये देखो, ये जो कर रहे हैं वो प्रोफेसर को आएगा या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन और जो पावर है इस मीडियम की, वो एक शिक्षा के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास है ये। तो ये भाषा सीखना ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए नहीं कि हम फिल्म मेकर बने, लेकिन हम अच्छे दर्शक बने।
सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महान कलाकार मोहन आगाशे जी, जिन्होंने आज कुछ पल हमारे साथ बताए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दिल्ली से हृदय यादव।